क्वेश्चंस देख रहे हैं कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व। जनरल हमने ग्राफ लिए, तो ग्राफ इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंटिन्यूअस है और कौन सा नॉट कंटिन्यूअस है। तो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ये दिख रहा है कि ये ग्राफ है y इक्वल टू x का, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, ठीक है, और पूरा जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो इससे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई कंटिन्यूअस ग्राफ है। और ये देखिए, ये ग्राफ है x y इक्वल टू 1 बाय x का, और यहाँ पर ग्राफ जो है ऑरिजिन पे नहीं बन रहा है। 1 बाय x का जो ग्राफ है पूरे पे बन रहा है, ये x एक्सिस है और ये x डैश है यानी कि माइनस x एक्सिस है। तो दोनों पे डिफाइन है, बस जीरो पे डिफाइन नहीं कि जीरो पे क्या हो रहा है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइन हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। y इक्वल टू 1 बाय x में अगर आप x की जगह जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पर डिफाइन है, 0 पर नहीं है। तो 0 पे डिसकंटीन्यूअस होता है और y इक्वल टू x इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो अब ये तो थे ग्राफ वाली बातें कि अगर आपको ग्राफ आते हैं तो ग्राफ से तो हम बता ही सकते हैं, पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा मेथड से। ये तो एक ट्रिक थी, अगर आपको ग्राफ आते हैं तो बाय ग्राफ तो आप बड़ी इजीली बता सकते हैं व्हिच वन इज कंटीन्यूअस और व्हिच वन नॉट। तो हम देखते हैं कि मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 5x - 3 इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू 5। थ्री पॉइंट्स पर हमें यहां पर चेक करना है कि इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन और नॉट। तो कोई सा एक हम करा दे रहे हैं, बाकी दोनों आप ट्राई करना। जीरो पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो पर कंटिन्यूस है या नहीं है, आप बाकी -3 और 5 पर आप खुद ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें गिवन दिया हुआ है fx 5x - 3, fx गिवन दिया है और हमें चेक किस पॉइंट पर करना है, एट x इक्वल टू 0, 0 पर हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी -3 और 5 पर आप ट्राई करेंगे। तो देखिए इसके लिए दो मेथड है हमारे पास, दोनों ही आप समझ लीजिए। सबसे पहले मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कंटिन्यूटी आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और एट पॉइंट, ठीक है, जैसे x इक्वल टू a पर चेक कर रहे हो। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी होती है जिससे हम बता पाते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। ये टाइप फर्स्ट है, सबसे बेसिक टाइप है, टाइप फर्स्ट लिख सकते हैं आप यहाँ। कंटिन्यूटी में भी कई टाइप्स होते हैं, तो उनमें से टाइप फर्स्ट है जिसमें बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, आपको एफ एक्स गिवन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, आपको चेक करना रहता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इसको हमने टाइप फर्स्ट में रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये तीनों चीजें निकालनी है, एलएचएल, आरएचएल और एफए। तो इसमें एफए निकालना थोड़ा इजी है, एफए कैसे निकालते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये आप इसमें रख दीजिए, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम डायरेक्टली ये पॉइंट रख सकते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां आ जाएगा एफ 0 और यहां एक्स की जगह 0 रखिए तो बताइए भाई एफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 3, एफ 0 आ गया यहां से माइनस का 3, एफ 0 की वैल्यू मिल गई हमें -3। तो हमें जो RHL और LHL चाहिए, RHL और LHL, ये भी क्या आना चाहिए, -3। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अभी हम निकाल रहे हैं RHL, RHL समझिए, RHL कैसे निकालेंगे, RHL के लिए आपको पुट करना होता है x की जगह पर a प्लस h। a क्या होता है यहाँ पर, a वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस और है या नहीं है, ये हमें चेक करने के लिए बोला गया है। तो हम x की जगह क्या रख रहे हैं, 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h, या फिर आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली h रख दीजिए क्योंकि 0 प्लस h h ही होगा, तो रख दीजिए इसको RHL लिखा हमने, RHL, और जो आपको फंक्शन दे रखा है इसमें हम रखेंगे RHL के लिए। RHL को लिखने का एक और तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस fx, अब इसको हम 0 प्लस
प्लस का मतलब ये है लिमिट एच टर्न्स टू जीरो, जीरो प्लस का मतलब ये है कि हम इसमें जीरो प्लस एच रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टर्न्स टू जीरो एफ एच। अब एफ एक्स तो हमें दिख रहा है कि ये है, एफ एच क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम एच रख देंगे तो एफ एच हो जाएगा। अब यहां लिख दे रहे हैं सिंस एफ एक्स दिया है 5x-3, तो एफ एच क्या हो जाएगा 5h-3, तो इसमें रख दीजिए 5h-3। h टेंस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि हमें h की जगह जीरो रखना है। यहां पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम h की जगह जीरो रख सकते हैं माइनस थ्री, तो ये आ गया 0-3 और यहां से हमें RHL की वैल्यू मिल गई -3। देखिए हमने एफ जीरो निकाला, RHL निकाला, अब हम LHL निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम LHL को भी सॉल्व करते हैं, LHL हमें निकालना है इसी पॉइंट पर, इसी तरीके से हम LHL भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए LHL के लिए क्या करेंगे, LHL के लिए पुट करते हम x की जगह पर 0-h, क्या पुट करना है x की जगह 0-h, ठीक है। 0 को लिखा रहने देते हैं ना ताकि आपको क्लियर रहे, अगली बार 0 की जगह कुछ और वैल्यू रहे तो हम क्या करेंगे उसकी जगह वो रखेंगे, 1-h होगा, 1 होगा तो a रहेगा, तो a माइनस एच रहेगा। तो LHL या फिर लिमिट x टर्न्स टू 0-fx, अब यहां हमें रखना है लिमिट h टर्न्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू हम यहां रखेंगे, बट आपको क्या करना है f 0-h रखना है, 0-h रखना है मतलब f माइनस एच रखना है, ठीक है, हमें f माइनस एच चाहिए। अब सिंस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना था 5x-3, तो f माइनस एच कितना हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे हम माइनस एच, तो 5 × -h-3। तो यहां रख दीजिए भाई लिमिट h टर्न्स टू 0, 5 माइनस का 5h माइनस का 3। अब यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि h की जगह हम क्या रखेंगे 0, पुट कर दीजिए x की h की जगह पर 0, तो ये आएगा माइनस का 3, तो LHL भी आ गया -3। हम यहां लिख सकते हैं सिंस LHL, RHL and FA, FA मतलब F0, all are equal, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि FX is continuous function at x equal to 0। तो ये हो गया प्रूफ, hence प्रूफ। अगेन हमने वही क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1, बट सेकंड मेथड से देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इजी मेथड लगेगी आपको, कंटिन्यूटी अपने आप में थोड़ा टफ चैप्टर है, तो समझने की कोशिश करें इसको कैसे हम इजी बना रहे हैं इसको। देखिए सेकंड मेथड देखें, इसमें यहां fx हमें गिवन है और कंटीन्यूअस चेक करना है कि जीरो पर कंटिन्यूटी, यहां पर हमें चेक करना है इट इज कंटीन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है, देखिए कंटिन्यूटी के लिए आपको बताया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए LHL, RHL और FA इक्वल होना चाहिए। FA मतलब यहां पर है एट पॉइंट, डायरेक्टली हम FA की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल होना चाहिए, और या फिर LHL इक्वल टू RHL दिखाता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। तो दूसरा तरीका टाइम फर्स्ट के लिए ये है कि आप एक काम करिए, LHL RHL मत निकालिए अलग से, ठीक है, टाइम फर्स्ट के लिए बस बता रहे हैं, ध्यान रहे हैं ना, जिसमें आपको fx की वैल्यू दे रखी है और किसी एक पॉइंट पर चेक करना है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो आप ये लिमिट निकाल लीजिए x इक्वल टू a पर, x टेंड्स टू a पर, और एफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डायरेक्टली वैल्यू आ रही है एफ ए के इक्वल में, तो आप यहां पर बोल सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और नहीं आ रही तो नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जनरली हम अलजेब्रिक फंक्शंस में ये मेथड अप्लाई करते हैं, और जहां मॉडुलस फंक्शन आ जाए, और जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, जहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाए, जहां डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डिफरेंट हो,
फंक्शन की टू और मोर देन टू वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर हम नहीं करते हैं सर। तो आप ध्यान रहे सबसे पहले टाइप फर्स्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला काम इसके लिए क्या है, सेकेंड मेथड के लिए कि आपको एफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए, ए की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है जीरो, तो जीरो पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो निकाल रहे हैं, फाइव इंटू जीरो माइनस थ्री, एफ जीरो की वैल्यू आ गई माइनस का थ्री, क्या आ गई एफ जीरो की वैल्यू माइनस थ्री, तो ये एफ जीरो मिल गया हमें माइनस थ्री। अब हम लिमिट निकाल रहे हैं, अगेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ए की जगह ध्यान रहे जब भी ए बोला जाए मतलब यहाँ जीरो से जो पॉइंट गिवन है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू रखी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 5x माइनस 3। देखिए लिमिट आपको पिछले साल आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th में, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिमिट में पहले डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं, अगर नॉट डिफाइन या इंडिटरमिनेट फॉर्म वगैरह कुछ आ रही है तो फिर उसमें LHL RHL वगैरह निकाल के सॉल्व कर देंगे, और नहीं आ रही तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाता था। तो आप रखिए x इक्वल टू जीरो, 5 इंटू जीरो माइनस 3, जीरो माइनस 3 कोई नॉट डिफाइंड वैल्यू तो है नहीं, एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल गई लिमिट